हेलो एवरीवन, क्लास 12th केमिस्ट्री सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 5th के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5th क्या है, आज आप फटाफट से चेक करते हैं। 5th में दिया है द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इन द रिएक्शन आर टू पी, है ना। एक रिएक्शन हो रहा है और वो रिएक्शन कौन सा हो रहा है, तो वो आर से पी हो रहा है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, है ना। इसमें जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को आप या तो ए नॉट से शो करते हो या फिर तुम आर नॉट से शो कर सकते हो, है ना। मतलब ए नॉट या फिर आर नॉट, दोनों तरीके से तुम इसको शो कर सकते हो। और इसका जो वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है, ये तुम्हें दिया है 4.62 इंटू 10^-2 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है। ये तुम्हें दिया हुआ है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट या फिर तुम आर नॉट, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन तुम बोल सकते हो, ठीक है। ठीक है, व्हाट इज द हाफ लाइफ, क्या बताना है तुम्हें, हाफ लाइफ बताना है। कौन से चैप्टर का बताओ, कौन से चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स का, है ना। फॉर द रिएक्शन के का वैल्यू भी तुम्हें गिवन है, है ना, के का वैल्यू भी तुम्हें गिवन है। तो के का वैल्यू तुम्हें कितना गिवन है, तो ये दिया है 2.31 इंटू 10^-2, है ना, इंटू 10^-2 मोल मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। सर हाफ लाइफ तो हमें निकालना है, ये तो हमें पता चल गया सर, बट कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का, हालांकि सेकेंड ऑर्डर का उतना पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो किस ऑर्डर का हमें निकालना है, ये तो हमें बताया नहीं सर। क्वेश्चन क्या आधा अधूरा है क्या? नहीं भाई, आधा अधूरा नहीं है। ये चैप्टर जब तुमने सॉल्व किया होगा ना, तो तुम्हें याद होगा के का तुमने यूनिट याद किया होगा, है ना, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए। सर हमने तो ध्यान ही नहीं दिया सर कि क्या होता है जीरो ऑर्डर के लिए, है ना। के तो कांस्टेंट होता है, तो के का वैल्यू तो हमेशा सेम होना चाहिए। नहीं, यही तो तुम गलती कर रहे हो। के यूनिट से ही तुम्हें यहां पर पता चलेगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है या फिर जीरो ऑर्डर है, ठीक है। यहां पर जो तुम्हें दिख रहा है वो है मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कौन सा है बताओ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां पर जो टी हाफ का फॉर्मूला लगेगा, हाफ लाइफ का फॉर्मूला लगेगा, वो जीरो ऑर्डर का लगेगा। और जीरो ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज ए नॉट बाई 2k, ए नॉट बाई क्या, 2k। ए नॉट का वैल्यू कितना है, ए नॉट का वैल्यू है 4.62 इंटू 10^-2 डिवाइडेड बाई 2k। के का वैल्यू कितना है, तो ये है 2.31 इंटू 10^-2, 10^ कितना, -2, है ना, ये तुम्हें देखने को मिलेगा। 10^-2 से 10^-2 कैंसल हो गया, 2.31 से ये कैंसल हो जाएगा 2 टाइम्स में, और 2 से ये कैंसल हो जाएगा 1 टाइम्स में, ठीक है। तो उस बेसिस पे यहां जो टी हाफ आ जाएगा वो तुम्हारा आ जाएगा कितना, 1 सेकेंड, कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड। एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देख रहे हो कि यहां पर किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। के का यूनिट जो है वो तुम्हारा याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर का के का यूनिट क्या होता है, ये तुम हमें कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताओगे, ठीक है, फटाफट से बताओगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 6th के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लेना।